हाय वरुण, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की जो क्लास होगी या सेशन होगा उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 और उसके बाद जितने भी होंगे उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके 100 क्वेश्चन हैं वो। आज की एफएलटी में आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन रखे गए थे सारे, उन पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करेंगे एक एक करके टॉपिक को हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के संदर्भ में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू मध्य प्रदेश प्लानिंग बोर्ड। इसका नाम 10 फरवरी 2020 में बदलकर मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया गया। इट्स नेम हैज बीन चेंज टू मध्य प्रदेश स्टेट नीति आयोग ऑन 10 फरवरी 2020। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उनकी सहायता के लिए एक नामित उपाध्यक्ष तथा दो पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। इट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड देयर इज अ नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट एंड टू एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट टू असिस्ट हिम। यहां पर हम देखेंगे एमपी प्लानिंग कमीशन 1972 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इनके बाद में प्लानिंग कमीशन जो पहले था राज्य योजना बोर्ड, एमपी प्लानिंग बोर्ड था, उसका नाम 2007 में चेंज करके किया गया राज्य योजना आयोग। इनके बाद अभी रिसेंटली यदि हम बात करेंगे तो यहां पर में चेंज किया गया है मध्य प्रदेश राज्य प्लानिंग एवं यहां हम चलेंगे कौन सा प्लानिंग के साथ में, इसका जो नाम यहां मिल रहा है नीति वाली कहानी है, यह कंसेप्ट हो जाएगा कि अपना गलत। इसमें एग्जैक्टली यदि देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का नाम इसका किया गया है, नीति अकेला नहीं रहेगा, नीति मतलब कि पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन किया गया है, पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन, इसे आप याद रख करके चलेंगे। दूसरी बात करेंगे, यहाँ पर मैं पहले ही हुआ करता था कि जो हमारे पास प्लानिंग कमीशन है उसके लिए यहाँ जो चेयरमैन होते हैं वो होते थे सीएम है, साथ में स्टेट प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं, और इसके एक उपाध्यक्ष हुआ करते थे, वो होते थे कौन, हमारे वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हुआ करते थे। ये अपने आप एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इनका या फिर एक तरीके से चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते थे। लेकिन अभी जब से नया नाम चेंज किया गया है इनके लिए एक नॉमिनेटेड वाइस चेयरमैन होंगे, वो यहाँ पर मैं एक तरीके से चेंज हो जाता है कंसेप्ट अपना, और दूसरा फिर से लेकर आएंगे इनके साथ में दो और यहाँ पर क्या होते हैं मेंबर्स हैं जो वाइस चेयरमैन हैं, जिनमें हमारे पास में एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो कैबिनेट एंड स्टेट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दोनों को इंक्लूड किया गया है। आप इसके बारे में एक न्यूज़लेटर है उसको आप देखिएगा, न्यूज़लेटर में कहानी कौन सी आएगी, एक मिनट रुक जाते हैं। हाँ, ये मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग एमपीएसपीसी जो है वो दिया हुआ है। इसके यहां पर अध्यक्ष हैं राज्य नीति एवं योजना आयोग के, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है तो नाम मिल जाएगा यहां पर मैं, ये जो पर्सन है सचिन चतुर्वेदी, ये वर्तमान में इसके क्या है उपाध्यक्ष हैं। इनके अलावा दो जो उपाध्यक्ष हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो कैबिनेट के हैं और साथ में पास में स्टेट मिनिस्टर होते हैं उनको भी यहां उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया है, वो कहलाते हैं उनसे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये करंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम लोग ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं वापस अपने पार्ट पर में। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा इसके बाद में, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। द एम ऑफ नीति आयोग इज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू एनहेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक, ये यहां पर मैं दिया हुआ एक और, देयर आर 8 फुल टाइम मेंबर्स इन द नीति आयोग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना था तो यहां पर मैं 8 के बजाय 5 आपको याद रखना है, देयर आर 5 फुल टाइम मेंबर्स इन द नीति आयोग। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 सही है बाकी गलत है। और यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आंसर कौन सा मिलेगा, ये सेकंड वाला पार्ट तो सही है, ए आपका गलत हो जाएगा। यहां पर मैं 10 फरवरी 2020 को नाम चेंज जरूर किया गया है लेकिन नाम ये नहीं, दूसरा नाम आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं वापस यहां पर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से क्या चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। चुनाव की अधिसूचना जारी करना,
चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव की वैधता तय करना और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना, ये सारे काम तो देखे जाएंगे। केवल एक काम जो है यहाँ नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन ये पब्लिश नहीं करते हैं, बल्कि ये पब्लिश करते कौन, यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट चलेंगे अगले पार्ट पर मैं, ठीक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिटरमाइंड। तो यहां आपका आंसर मिल जाएगा एक तरीके से ड्यूटीज एंड पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस एक्ट 1971, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भी यहां पर मिल जाएंगे कर्तव्यों, शक्तियों और सेवाओं का अधिनियम की सेवा शर्त अधिनियम 1971, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2017 को की गई थी, ठीक है। आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ठीक भाई। यहां देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मध्यप्रदेश स्टेट फूड कमीशन। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 11 अप्रैल 2017। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 5 members इंक्लूडिंग द चेयरमैन, और लास्ट रहेगा द गवर्नमेंट अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो यहां बात करेंगे इसके लिए करेक्ट आंसर आपका रहेगा कौन सा, तो ये रहेगा हमारे पास में 1, 2, 3, तीनों की तीनों आपके सही आंसर रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद रहेगा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया? सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो हम बात करें करंट में हमारे पास मिलेंगे कौन से, राजीव कुमार। इनके अलावा अभी रिसेंटली यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक 5 जो जजेस की बेंच ने यहाँ डिसीजन दिया हुआ है कि जैसे अभी हमारे पास में भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति की बात जो की गई, अपॉइंटमेंट की बात की गई है, उनके लिए अलग से सिस्टम आप बनाकर रखेंगे, ठीक। गवर्नमेंट यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो एंट्री होती है प्रेसिडेंट यहाँ इलेक्ट कर लेते हैं ऑन द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, वो फटाफट हो जाता है। उसके बजाय इसको क्या किया जाएगा, एक कॉलेजियम जैसा सिस्टम यहाँ डेवलप किया जाए, तो उसके बारे में गाइडलाइंस यहाँ गवर्नमेंट को दी गई है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, तो यहाँ आंसर है कौन से, राजीव कुमार। अगला रहेगा आपके पास, इनमें से कौन मध्यप्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? विच ऑफ द देश हैज बीन नॉट बीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ एमपी, बात करें यहां पर मैं, तो यहां पर मैं नहीं रहे कौन से, एनवी लोहानी, अजीत रायजादा, गोपाल शरण शुक्ल, एंथनी डिसा। तो हमारे यहाँ एमपी में जो एंथनी डिसा है वो कभी भी यहाँ हमारे क्या नहीं रहे हैं, एक तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे लोहानी फर्स्ट थे, इनके बाद में गोपाल शरण रहे हैं, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, आर परशुराम और बसंत प्रताप सिंह रहे हैं। तो हम बात करेंगे लो भाई हनी खा लो, गोपाल चरण को धो लो, साथ में चलेंगे यहाँ पर मैं नेक्स्ट कौन सा मिल जाएगा, आदित्य, अजीत, परशुराम और लास्ट में है कौन से, प्रताप। तो ऐसे कुछ लिंक बना करके आप इसको याद करिएगा, ये यहाँ पर मैं नहीं है, ठीक। यहाँ पर मैं टोटल अब तक 6 हमारे पास कह रहे हैं ये मेम्बर्स आ चुके हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर मैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी मौजूद न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति और किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ये मौजूदा वाला जो आंसर है ना वो इसे गलत कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका बी सही हो जाना चाहिए। अब कहानी देखिएगा, पहले हमारे पास में थे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ अलाउड किया हुआ था कि वही यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। बाद में 2019 में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद में क्या किया हुआ इन्होंने, बोले कि जो यहाँ पर मैं क्या रहा हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ रहे होंगे तो उन्हें हम लोग यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं। वर्तमान में है वाली बात नहीं कर रहे, रहे होंगे। इसके लिए यहाँ आप देखिएगा ये पार्ट आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक। यहाँ चलेंगे हम लोग 2021, हाँ
प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की बात करेंगे, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था 2019, उसकी बात हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ का एक पार्ट जो आएगा उसको देखिएगा, ठीक, इसके सारे एक्ट को। तो एक्ट में इसलिए सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी बात बैठ जाए, पहले क्या था और अभी क्या था, दोनों कहानियाँ हैं। ठीक, यहाँ डेफिनेशंस मिल जाती हैं। सेक्शन नंबर जो 3 रहेगा, सेक्शन नंबर 3 में यहाँ कहा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और कहा हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल कंस्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड अपॉन एंड टू परफॉर्म द फंक्शंस असाइन्ड टू इट अंडर दिस एक्ट, एंड द कमीशन शॉल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन हु हैज बीन अ, मतलब कि यहाँ हैज बीन का मतलब है अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ रहने या रहे होंगे की बात यहाँ करेगा, हु हैज बीन की बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज। तो करंट वाले केस में यहाँ जनरली नहीं रखते हैं, ये जो रिटायर्ड हो चुके होंगे पहले रहे होंगे की बात कर रहा है, रिटायर्ड नहीं, उन्होंने कहा हुआ है रहे होंगे, ठीक। तो ये बात यहाँ कहा जाता है ये इस केस में खास करके। तो जो पहला ऑप्शन आपका था उसमें हो जाएगा गलत, बाकी आंसर आपके पास आ जाएंगे सही, और एक और आंसर आपके पास नीचे आएगा, यहाँ पर आगे हम चलेंगे। तो इनके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन, ठीक कहानी आ गई है। नीचे इनका ड्यूरेशन जो है उनके बारे में बात कर रहा है, टेन्योर की बात करेगा। तो टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन, तो यहाँ टर्म्स की बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या हुआ है, ठीक, जो अपने ऑफिस में साल होल्ड द ऑफिस फॉर टर्म्स ऑफ द 3 years फ्रॉम द डेट ऑन द ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 70 years। तो दो एज की बात यहाँ कर रहे हैं वो, यहाँ पर मैं एक एज हमारे पास मिलेगी कौन सी वाली, तो यहाँ 3 years होना चाहिए या फिर आपके पास में 70 years। ये क्वेश्चन आगे मिलेगा, मैं इसलिए अभी बता देता हूँ, ये काम की बात यहाँ पर थी इसलिए, ठीक। तो ये दो बात कंसेप्ट यहाँ पर लिया हुआ है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा वापस। तो ये एक आपका आंसर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाएगा बी सही, ध्यान रख लीजिएगा बी आंसर इसके बारे में सही हो जाएगा, हालांकि पुराने वाले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, फिर भी आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं जो कहाँ के सुप्रीम कोर्ट के रहे होंगे, वो आंसर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे, निम्न में से कौन सा एक कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, यह 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में आयोग को अपराधी को दंडित करने को अधिकार नहीं है, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, आयोग अपनी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है, ठीक। यहां पर हम चलेंगे एक तरीके से 1993 में एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, यहां पर मैं उल्लंघन के मामले आयोग को अपराधी को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात यहाँ करेंगे यहाँ एक तरीके से। तो जो एक आपका जो केस आ रहा है वो क्या दिया हुआ है पावर्स में, यहाँ हम देखेंगे कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर कहानी कौन सी आती है कि जो एक प्रकार से नियुक्ति समिति बनाई जाएगी जिसके जो अध्यक्ष हैं पीएम होंगे वो, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहे होते हैं, वही बात करेंगे। अपराधी को दंडित करने का अधिकार यहां नहीं दिया गया है, बल्कि यह केवल दंड देने की सिफारिश कर सकता है, सिविल न्यायालय के अधिकारिता वाले सारे मामले दिए गए हैं, लेकिन यह केवल कहा गया क्या, सिफारिश करने की बात करना कि भैया इन्हें यह दंड दिया जाए। तो आपका आंसर यहां क्या हो जाएगा, सही नहीं है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी की ठीक ठाक कहानी आपके पास में रहेंगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट पर, मैं मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में निम्न कथनों या तथ्यों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द मध्यप्रदेश कमीशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, अध्यक्ष 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेगा, अन्य सदस्य 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे, सदस्यों में कम से कम 2/3 महिलाएं होना चाहिए और अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो यहां हम बात करेंगे इसके संदर्भ में, आपका दिया हुआ आंसर क्या रहेगा कि यहां पर मैं चारों के चारों जो फैक्ट है कैसे पास में रहेंगे, सही। यहां पर क्या है 3/65 अध्यक्ष की बात करें वो सही है, यहां चल लेते हैं अदर मेंबर्स होल्ड देयर ऑफिस फॉर द 3 years और एज ऑफ 60 years विच एवर इज अर्लियर, ये ठीक है, दोनों सही हैं, ठीक। 2 सदस्य महिलाएं होना कंपलसरी है और साथ में कहा गया है कि यहां पर मैं द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल, जो चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो ये एक हमारे पास कहानी जाएगी, 1, 2, 3, 4 आपके आंसर क्या हो जाते हैं, करेक्ट, ये आपका आंसर रहेगा सी वाला।
अब चलेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट पर मैं, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है, ठीक, तो बात करेंगे चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सबके गठन का प्रावधान जो पार्ट 14 है उसमें किया गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कौन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, एम एन राव, वी ईश्वरैया, राम सूरत सिंह, चित्रा चोपड़ा। निम्न में से कौन यहां पर मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो ये चोपड़ा नहीं रही हैं, ध्यान रखना है। अगले पार्ट पर मैं नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो 2017 में यहां पर 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज प्रेजेंटेड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल बैकवर्ड कमीशन, ये बात यहाँ जाएगी। लेकिन वहीं चलेंगे यहाँ पर मैं, ठीक, 102nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पास किया जा चुका है, जिसके थ्रू अब यहाँ पर क्या किया गया, इसको नाम मिल जाएगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है नेशनल बैकवर्ड कमीशन को, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे बैकवर्ड क्लास कमीशन के बाद, अगला आंसर रहेगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक, बाय हुम कैन बी चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, तो यहां आपके सामने आएगा आंसर कौन सा, ठीक, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट आपके सामने आ जाते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट चलेंगे अगला, अच्छा, नियुक्ति करेंगे गवर्नर लेकिन हटाएंगे प्रेसिडेंट साहब, ये बात यहां ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जिला स्तर पर निर्वाचन आयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन काम करता है, फॉर द इलेक्शन कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, तो यहां पर मैं आपके लिए रहे कौन से, जो डीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो यहां काम कर रहे होते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर मैं, मध्यप्रदेश का प्रथम लोकायुक्त इनमें से कौन था, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ द एमपी, तो फर्स्ट लोकायुक्त एमपी की बात करेंगे तो पीवी दीक्षित साहब यहां पर मैं रहे हैं, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट चलेंगे, मध्यप्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, ठीक, इसके बारे में हम बात करें तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट हो गया गलत, क्वेश्चन रहेगा गलत, यहां पर मैं 6 ईयर्स का टेन्योर बताया गया है, बाकी का यहां पर मैं आपके एक तरीके से लास्ट का जो पार्ट है वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए हम देख लेते हैं हमारे पास में रखा हुआ एमपी लोकायुक्त वाला एक्ट जो है उसको देख लेते हैं यहां पर मैं मध्यप्रदेश, हाँ ये यहां देखेंगे मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1991 की बात करेंगे, उसमें क्या कहा गया है इसको भी आप देखिएगा, लोक आयुक्त एवं उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस तारीख से जिससे उसको अपना पद ग्रहण करे 6 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और उसके पश्चात पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रहेगा, ये बात कही गई है। यहां पर मैं 60 या 65 या 63 ईयर्स कहीं पर भी मेंशन नहीं है, मैं एक्ट की यहां पर मैं जो उनके गवर्नमेंट के डेटा है उसके साथ बता रहा हूं, बाकी ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे, क्योंकि बुक से हमारे पास कुछ भी यहां लिख देंगे थोड़ा सा गड़बड़ है, वैसे ही क्वेश्चन वहां पर भी आ गया है, ठीक। यहीं पर मैं और कहा गया है कौन सी कहानी, यहां हम देखेंगे तो नीचे मिल जाएगा लोकायुक्त और जो बाकी की कहानी हमारे पास में कहा गया है कि इनको 3 वर्ष की अवधि से इनके लिए इनकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन लोक आयुक्त इसकी सिफारिश करेगा, किन के लिए, उप लोकायुक्त के लिए, बाकी का कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है, ठीक, ये हमको याद रखना था। अब चलते हैं वापस अपने पार्ट पर मैं, तो ये इसको हम लोग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कैंसिल ही कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर मैं, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो यूपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट हम देखेंगे तो 1 अक्टूबर 1926 को किया हुआ था, ठीक, ली कमीशन के रिकमेंडेशंस पर में बना हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा यहां पर कौन सा, बी। नेक्स्ट चलेंगे, पहली बार मतदाता दिवस कब मनाया गया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो आप लोग यहां पर मैं पहला पार्ट तो यह कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, पहली कहानी। दूसरा एक और बात आपको बता दूं कि अब से हमारे जो सारे के सारे डिस्कशन है ना वो इसी YouTube चैनल पर में रहेंगे, मतलब जिस पर आप अभी देख रहे हैं,
इसे आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको बाकी के नोटिफिकेशन सारे डिस्कशन वाले यहाँ मिलेंगे। ठीक, तो दो चैनल हमारे यहाँ हो जाएंगे, एक पीएस एकेडमी और एक पीएस एकेडमी एमपीपीएससी। तो एमपीपीएससी के सारे जो नोटिफिकेशंस, सारे वीडियोस आपको पीएस एकेडमी एमपीपीएससी वाले पार्ट पर रहेंगे, और इनकी पीडीएफ, इनके नोट्स जो हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वहीं पर मैं आपके एक क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे आपके यहाँ टेस्ट पेपर भी डाल दिए गए हैं, तो आप वहाँ से जाकर बंच बार निकाल लीजिएगा और लगा लीजिएगा। जिनके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ भी देख लें, और बाकी चीज़ें आपके पास नोट्स भी यहाँ डली हुई हैं। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस यदि हम बात करेंगे तो कब मनाया गया था, 2011 को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट। अगला चलते हैं, इसके बाद भारत का संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में चुनाव का वर्णन कहाँ किया गया है? ठीक, तो हम बात करेंगे इसके संदर्भ में, ये पार्ट रहेगा कौन सा, पार्ट 15 आर्टिकल 324 आपके लिए रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये कमीशन में। नेक्स्ट चलेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का वेतन और सेवा शर्त कौन तय करता है? तो हु डिसाइडेड द सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बना के रखें कौन सा, संसद यहाँ पर मैं पार्लियामेंट इसके बारे में रूल्स बना करके रखेगी, आप ध्यान रख लीजिएगा। अधिकांशतः जितने भी सेवा शर्त हैं या तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में बता दिया गया है, नहीं तो अलग से इनके लिए एक्ट पास किया गया है, इसे आप याद रख करके चलेंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास रहेगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है? संसदीय अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संविधान द्वारा, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रहेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ जानबूझकर बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी रखे गए हैं, ताकि आप लोग क्या होते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, बोले सर बहुत ही टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, रोना गाना चालू हो जाता है कुछ लोगों का, तो उन्हीं के लिए भैया चलो ठीक, आप एक इस वाले पार्ट को लॉलीपॉप ले लो, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा, जो एक्ट के क्वेश्चन है, सॉरी कमीशन के क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमारे पास कब आएंगे, जब FLT हो जाएंगे तब। FLT मतलब कि जैसे पेपर में कुछ समय पहले से उन्होंने टेंडेंसी या एक बार से ट्रेंड को जिन्होंने रखा हुआ है, उस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, दो तीन थोड़े से टफ, एक दो तीन चार क्वेश्चन इजी, दोनों तरीके के आपके पूछे जाएंगे। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट पर मैं, तो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी भी कर और शुल्क आय को निर्धारित और प्रमाणित करता है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल डज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिटरमाइंस एंड सर्टिफाई एनी टैक्स एंड ड्यूटी प्रोसीडिंग्स? जो टैक्स एंड ड्यूटी प्रोसीडिंग्स को हमारे यहाँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के थ्रू यहां देखेंगे, तो आर्टिकल मिल जाता है 279 के थ्रू यहां पर क्या कर रहा होता है, प्रमाणित करता है, निर्धारित करता है। अब चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कहा गया है? तो ये हमारे पास में ठीक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये मिल जाता है कौन, कैग, इसके बारे में आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अनुसार चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाने की तैयारी की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी मेड रिकमेंडेशंस दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी अ 3 मेंबर बॉडी? तो यहां पर मिल जाती है हमारे पास कौन सी, तारकुंडे कमेटी जो है, जहां इन्होंने रिकमेंड किया हुआ था अलग से कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो रहेगा कितना होना चाहिए, 3 सदस्यीय होना चाहिए, 1 सदस्यीय नहीं, क्योंकि 1 सदस्यीय होने पर मैं यहां पर मैं थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो जाता था। और आपको ध्यान रखना है कि भैया हमारा जो कमीशन है ना निर्वाचन आयोग, वो कभी 1 सदस्यीय, फिर उसमें बहु सदस्यीय, फिर 1 सदस्यीय, ऐसी सारी कहानी चली आ रही थी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुनाव आयोग की प्रमुख बनाने वाला प्रमुख बनने वाली भारत की पहली महिला है? निम्नलिखित में से कौन राज्य चुनाव आयोग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है? नीला सत्यनारायण, सुधा पिल्लई, रीता सिन्हा, लीना मेहंडेल। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से देखना है कि भाई किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मैं ये पहली पर्सन जो थी वो किसी राज्य की चुनाव आयोग की प्रमुख बनी है, तो नीला सत्यनारायण यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर मैं, नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना जो की गई है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन की गई थी, ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैं, बाद में ली कमीशन आता है उसके फाइनली रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं देखी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी से वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, ये आपका 20th नंबर का आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक, रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन आर अंडर, तो हम बात करेंगे आर्टिकल 323, 322, 321 एंड 320। तो यहां पर आपको आंसर लगाना है कौन सा, देखिएगा आर्टिकल 323 करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर में, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को हुआ था, सही है बोला हुआ यहां पर मैं, तो भाई ये तो हो गया गलत पहली बात में, क्योंकि कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नहीं, किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, और अगला रहेगा नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। यहां पर आपको जब आंसर लगाए होंगे दोनों आंसर बहुत सही लग रहे होंगे कि बोले यार सी और डी आंसर हो गए और क्वेश्चन पेपर क्या गलत बनाया यहां पर, मैं ऐसा बोले होंगे आप लोगों ने, तो आपको बता दूं यहां पर होना चाहिए था नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन हमें ध्यान रखना है ये है संस्थान, है संस्थान की बात क्या हुआ है, ना कि इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, ये वर्ड नहीं है, बल्कि क्या यूज किया गया है, इंस्टीट्यूशन किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये हो गया गलत, अब बचा केवल कौन सा, डी अकेला सही बचेगा, बाकी आपके हो जाएंगे क्या गलत, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, नीति आयोग की आकांक्षी जिला पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग, तो यहां पर मैं एक तरीके से जिलों की आकांक्षात्मक रैंकिंग 10 मापदंडों पर आधारित होती है, नहीं, आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी, देखते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 5 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक, यहां आपको ध्यान रखना है, और एक और आ गया कौन सा, डी आपके पास में उपरोक्त सभी। देखिएगा सबसे पहली बात तो यह रहेगा कि जिलों की आकांक्षात्मक रैंकिंग की बात जो कर रहे हैं, आकांक्षी जिला रैंकिंग की बात कर रहे हैं, इसमें 10 नहीं बल्कि कितने मापदंड या पैरामीटर है, 5। अब ये 5 कौन कौन से हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा एजुकेशन, इनके बाद रहेगा यहाँ पर मैं कौन सा, एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट, इनके बाद रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, और लास्ट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे 5 पार्ट को रखा हुआ है, यहाँ 10 नहीं है। आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में की गई थी, बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन ये वाला जो आपका आंसर रहेगा 5 जनवरी 2016 नहीं, ये 2018 को लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब चलते हैं आगे सेकंड, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत स्वास्थ्य सूचकांक, कंसिडर द फॉलोइंग, हेल्दी स्टेट, प्रोग्रेसिव इंडिया हेल्थ इंडेक्स, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, और लास्ट रहेगा व्हाइट पेपर ऑन अर्बन बेस्ड सिनेरियो इन इंडिया, भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिवर्तन परिदृश्य पर श्वेत पत्र। यहां पर कौन सा नीति आयोग द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिश्ड बाय द, सॉरी यहां होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग, प्रकाशित किया जाता है, तो यहां पर मैं सभी के सभी चारों जो हमारे पास में इंडेक्सेस हैं वो पब्लिश की जाती हैं किसके द्वारा, नीति आयोग, यहां पर होना चाहिए कौन सा पब्लिश किया जाता है, नहीं पब्लिश वाली कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहां पर मैं, ठीक, तो ये रहेगा पास कौन सा आपका पब्लिश किया जाता है, तो सभी पब्लिश किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करें, मुख्य चुनाव आयुक्त को का कार्यकाल को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, ठीक, सेकंड रहेगा संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशंस, ये आप ध्यान रखेंगे, और नेक्स्ट रहेगा चुनाव आयोग आपातकाल की अवधि को 1 वर्ष के बाद बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति सलाह देता है कि क्या राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में चुनाव हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर
इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट अंडर द प्रेसिडेंशियल रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर वन ईयर. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा हुआ है. तो यहां हम देखेंगे कि एक पहला पार्ट आपका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म्स ऑफ द मेंबर्स. तो टर्म्स या टेन्योर की बात करेंगे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं है. हम पढ़ते हैं 6 साल या 65 साल लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन कहां मिलता है. तो एक अलग से एक्ट पास किया गया था द इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 1991 उसके अकॉर्डिंग इसकी कहानी आती है. तो ये एक्ट अलग से है उसमें इनका टेन्योर के बारे में बताया हुआ है. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां क्या रहेंगे हमारे करेक्ट हो जाएंगे. याद रखिएगा तीनों स्टेटमेंट यहां पे कैसे हैं सही हैं. अब चलते हैं निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है संस्था और वर्तमान में प्रमुख. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संगीता वर्मा कार्यकारी हैं ठीक है. नेक्स्ट केंद्रीय सूचना आयोग की वाई के सिन्हा है बिल्कुल सही है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के रंजीत मौर्य हैं ठीक है. और केंद्रीय जल आयोग के पी मनरोई स्कॉट नहीं है बल्कि यहां पर कौन से हैं कुशविंदर सिंह बोहरा रहेंगे. कौन से रहेंगे यहां पर मैं कुशविंदर सिंह बोहरा यहां पर मैं क्या है यहां के प्रमुख हैं बोहरा ये. तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत बाकी हो जाएगा सही. करंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है. सीबीएसई के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे हु वाज द फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. तो हम बात करेंगे यहां पर मैं ये रहे हैं एन एस राव. ये क्वेश्चन एक और बार आपको और आगे टकराएगा इसी तरीके का आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है. हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. राज्यपाल राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग. तो यहां पर हम बात करेंगे यहां करेंगे राष्ट्रपति जो होते हैं राज्य प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है उसकी नियुक्ति कर रहे होते हैं. और ये आता कौन सा आर्टिकल हमारे पास 323A के आसपास यहां की जाती है. यहां आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण है उनके बारे में जो सारी कहानी है रिकमेंडेशन बनाने की किसने किया हुआ था स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसने रिकमेंड किया हुआ है इसे आप याद रख करके चलेंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले से पीड़ित व्यक्ति कितने दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. यही क्वेश्चन पिछले बार भी हमारे पास एमपीपीएससी में आ चुका है. तो बात करेंगे 90 डेज के अंतर में इसे यहां पर एक तरीके से अपील करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में. नेक्स्ट रहेगा मध्यप्रदेश राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है. ठीक 15 फरवरी 1995 को अस्तित्व में आया था ठीक. आर परशुराम इसके 6वें चुनाव आयुक्त थे. ये हो गया राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव मोबाइल ऐप बनाया गया है ठीक. उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं. यहां पर सत्य नहीं है कहा गया है तो यहां पर आपके पास में जो बी आंसर है ना ये हो जाएगा गलत. यहां पर मैं बी और ए सत्य है होना चाहिए था ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक यहां पर हम बात करेंगे तो एक तरीके से आपका ये 1994 में बना हुआ है और यहां पर में रहे कौन से आपके 5th नंबर के रहे हैं 2. तो आपका केवल यहां सही जो है राज्य चुनाव आयोग यहां पर में हो जाएगा. चुनाव मोबाइल ऐप इन्होंने बनाकर रखा हुआ है बाकी चीजों के लिए. नेक्स्ट चलेंगे आगे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है. 3 साल या 65 वर्ष, 5 साल या 65 वर्ष, 5 साल या 70 वर्ष, या 3 साल या 70 वर्ष. पहले 5 साल की कहानी थी लेकिन अब ध्यान रखेंगे 3-70 का कंसेप्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है नए अमेंडमेंट के साथ में. बाकी कहानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे. 3-70 आप याद रख लीजिएगा. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है. राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत सरकार और मंत्रिपरिषद, संसदीय कार्य मंत्री. टेरिटोरियल इलेक्शन कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑन एडवाइस ऑफ द. तो करेक्ट आंसर रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे. उनकी सलाह पर यहां नियुक्ति की जाती है. नेक्स्ट चलेंगे आगे. VVPAT जो आपका एक VVPAT मशीन होती है ठीक का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था. तो ये था नागालैंड के चुनाव में पहली बार VVPAT का प्रयोग किया गया है ध्यान रखेंगे. अगला मिलेगा नेक्स्ट. भारत में EVM का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था. तो यहाँ पर मैं रहेंगे when was the EVM used for the first time. केरला 1982-85, तमिलनाडु 92, कर्नाटका 98, आंध्र प्रदेश. तो करेक्ट आंसर रहेगा 1982 केरला. याद रखिएगा इसको ठीक. नेक्स्ट चलेंगे. चुनाव आयोग को पहली बार
कब बहुसदस्यीय बनाया गया है। ठीक, यहां पर हम देखेंगे, यहां पर मैं इलेक्शन कमीशन वॉज मेड मल्टी मेंबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन तो 16 अक्टूबर 1988, 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1990 और 16 अक्टूबर 1991। तो यहां चलेंगे 89 में, यहां पर मैं इनको पहली बार क्या किया गया था, बहुसदस्यीय बनाया गया था। ऐसा हमारे पास क्रम आगे पीछे होने की कहानी चलते रही है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट आंसर रहेगा, इनमें से कौन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, डीवी रेगे, केसी त्यागी, एमबी पीटर और पीके सिन्हा। तो इनमें हम चलेंगे आपके एमपीपीएससी के अध्यक्ष को नहीं रहे हैं, तो पीके सिन्हा साहब नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 और 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। इन रिलेशन टू देन ऑफेंस डिस्क्राइब इन सेक्शन 175, 178, 179, 180 और सेक्शन 228 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, द ह्यूमन राइट कमीशन इज डीम्ड टू बी, तो यहां रहेगा कौन सा, इसे सिविल कोर्ट समझा जाएगा, डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट। यहां पर कभी भी किसी भी कमीशन को, जिन्हें कभी हमने क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाया हुआ है, उन्हें क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग के राइट्स नहीं दिए गए हैं, वो हमेशा काम करेंगे किसके लिए, तो सिविल कोर्ट के रूप में काम करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, दीवानी और फौजदारी जो होते हैं उनमें से एक पार्ट आपने कई बार सुना होगा, वही इसका रीजन रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल प्लानिंग ह्यूमन राइट कमीशन, रंगनाथ मिश्रा, फतिमा बीबी, एस एस काग और वेंकट चलैया। करेक्ट आंसर रहेगा रंगनाथ मिश्रा जो हैं वो इंडिया के जो प्लानिंग ह्यूमन राइट कमीशन उसके फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं। अब चलते हैं आगे, राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, व्हाट आर द पावर्स अवेलेबल टू नेशनल वुमेन्स कमीशन अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 टू समन एनी पर्सन टू आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स टू पनिश टू रिसीव एविडेंसेस। यहां हम देखेंगे, ठीक, किसी व्यक्ति को तलब करना, यहां पर चलेंगे दस्तावेज मांगने की शक्ति, साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति। ठीक, और यहां पर मैं नेक्स्ट मिल जाएगा अगला कौन सा, यहां हाँ, तो एक केवल तीन है उपयुक्त, सभी 1, 2, 3 और 1, 2, 4। देखो, बात मैंने अभी बताया था, दंड देने की शक्ति यहां पर मैं नहीं है, पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ऐसी क्वासी जुडिशियल बॉडीज नहीं बनाई गई हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना कि 1, 2, 4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी इसके बारे में आप लोग ध्यान रखा कर चलेंगे। अब चलते हैं आगे, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द मध्यप्रदेश स्टेट कमीशन फॉर द वुमेन इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। तो इनके यदि हम बात करें आंसर, तो यहां रहेंगे कितने, 6, और जब हम लोग यहां पर मैं सेक्रेटरी को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 7। तो यहां टोटल ये 7 मेंबर जो कमीशन है इंक्लूडिंग सेक्रेटरी एंड चेयरमैन की बात करेंगे, तो यहां आपको दोनों चीजें कहानी याद रख के चलना है, सचिव अभी ऐड नहीं करेंगे, बाकी कहानी के लिए 6 हो जाएंगे। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रख लीजिएगा कोई भी पार्ट आ जाए, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्यप्रदेश एससी एसटी आयोग या एससी आयोग या एसटी आयोग बात कर रहे हैं, अपने ओबीसी आयोग है, इन सब की नियुक्ति कौन करेंगे हमारे, तो राज्य सरकार करेगी, उसी को ये पदत्याग करेंगे। अब चल लेते हैं यहाँ पर मैं, तो ये राज्य सरकार कर रही होगी, वही यहाँ पर मैं इसको नियुक्ति करेंगे, उनको यहाँ पर मैं क्या कर जाएगा, वापस भी कर रख देंगे। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन इनमें से किस अधिनियम के द्वारा हुआ है, ठीक, तो यहाँ बात करेंगे महिला आयोग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द मध्यप्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स वॉज फॉर्म, तो ये रहेगा 1995 का एक्ट था, स्टेट कमीशन फॉर द वुमेन्स 90, ठीक, यहां 1995 ध्यान रखेंगे, 1995 एमपी बाय द एमपी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1995। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट, इनमें से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहां आप ध्यान रखेंगे, यहां अभी तक यहां जो सूरज भान साहब हैं वो यहां अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बाकी के अध्यक्ष हमारे पास चेंज होते रहे हैं, उनको देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल समानता कितने वर्ष का होता है, द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इज जनरली 4, तो हम बात करेंगे यहां पर कितने साल का है, 3 years के लिए रखा गया है, ठीक, इनके लिए 3 years इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट, भारत के पहले
कैग कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो रहेंगे कौन से अपने पी नरहरी राव यहां पर मैं थे, ये करेक्ट टेंस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे, किसी संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुजाति एवं जनजाति आयोग के लिए पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन वॉज मेड टू सेट अप अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61th, 52nd और 79th। यहां पर मैं आपको लगाना आंसर कौन सा रहेगा, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके थ्रू दोनों के कर दिया अलग, पहले यहां पर मैं यहां दोनों की कमीशन एक साथ हुआ करते थे। नेक्स्ट चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, वाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेपरेट शेड्यूल कास्ट कमीशन इज मेड और कॉन्स्टिट्यूटेड, तो हम बात करेंगे यहां मिल जाएगा आर्टिकल 338 हमारे पास रहेगा, इनके साथ में अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है और अनुसूचित जनजाति आयोग रहेगा 338 ए के साथ में बनाया गया था। नेक्स्ट चलेंगे, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द मध्यप्रदेश स्टेट बैकवर्ड कमीशन, ठीक यहाँ रहेंगे कौन से, हीरालाल वर्मा, सरदार डंगस, बाबूलाल कुशवाहा, बसंतराव उइके, तो यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैं फर्स्ट जो अध्यक्ष हैं मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के, एक मिनट रुकिएगा, हम देखें यहाँ करेक्ट आंसर है कौन सा, बसंतराव उइके जो हैं वो यहाँ पर मैं फर्स्ट जो एमपी स्टेट ओबीसी कमीशन थे उसके चेयरमैन थे। इनके बाद हम चलेंगे तो सेकंड जो कमीशन बना हुआ था उसके प्रमुख थे हीरा राम वर्मा नाम का रहेगा यहाँ पर मैं ये, ठीक। इनके बाद चलेंगे आगे, थर्ड का जी बात यहाँ की जाती है, सरदार सिंह डंगस जो हैं वो थर्ड वाले के यहाँ रहे हैं, और इनके बाद चलेंगे फोर्थ के रहे कौन से यहाँ पर मैं सरदार सिंह डंगस थर्ड एंड फोर्थ दोनों के रहे हैं, फिफ्थ के रहे कौन से आपके बाबूलाल कुशवाहा, और सिक्स्थ के रहे हैं मधु वर्मा, ठीक। और नेक्स्ट रहेंगे लास्ट जो सप्तम बना हुआ था उसके रहे कौन से, राधेलाल बघेल, तो ये आप इनको याद कर लीजिएगा, थोड़े से और बाकी कहानी रहेगी, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे आगे, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, टू हुम डज द मध्यप्रदेश स्टेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन इज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट, तो यहाँ एनुअल रिपोर्ट जो होगी वो यहाँ सबमिट की जाएगी किसे, तो यहाँ याद रख लीजिएगा, यहाँ हमारे पास कभी भी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी तो अपने पास इन ऑर्गेनाइजेशन राज्य सरकार को करेंगे प्रेजेंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, साथ में यहाँ पर मैं इनको अपॉइंटमेंट के साथ में ये अपनी बाकी सारी जो कहानी है पावर्स वो सारी सारी स्टेट गवर्नमेंट दे करके रखेगी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट इसके बाद रहेगा, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को राज्यपाल की अनुमति किस तिथि को या किस डेट को मिली है, तो यहाँ हम बात करेंगे, ठीक। यहाँ रहेगा कौन सा, 24 मई 1993, ऑन विच डेट मध्यप्रदेश स्टेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन गॉट द परमिशन ऑफ द गवर्नर, तो यहाँ रहेगा पहली डेट कौन सी है, 24 मई 1993, 29 जून 1993, 24 मई 1994 और 24 मई 1995, तो करेक्ट आंसर है कौन सा, डी इसका आंसर हो जाएगा 24 मई 1995 का। अब चलेंगे आगे, राष्ट्रपति द्वारा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किस तिथि को गठित किया गया था, ऑन विच डेट द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, 29 जनवरी 1953, 1 मई 1953, 29 जनवरी 1954 एंड 1 मई 1954, तो यहाँ रहेगा 29 जनवरी 1953 को इसका यहाँ पर किया गया था, गठित किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, मध्यप्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन अब किया गया था, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ मध्यप्रदेश वॉज फॉर्म इन विच ईयर, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा सितंबर 1995 में, हमारे यहाँ पर कब हो गया था इंडिया में 1993 और ये बना कब पास में 1995 में। अब चलते हैं आगे, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को किस वर्ष पारित किया है, ठीक, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट, तो ये रहेगा कब हमारे पास मिल जाएगा 1993 को, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हमारे पास कब, तो चलेंगे यहाँ पर मैं 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2018 का उसके थ्रू इसको दिया गया था। एनसीबीसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, तो यहां हम चलेंगे कितने रहेगा, 3 इयर्स का ये पूरा कार्यकाल रहेगा।
नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद में, अगर रहेगा सीबीसी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण हेतु इनमें से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स हैज बीन स्टार्टेड बाय द सीबीसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन, तो हम चलेंगे विजी ऐप जो है विजिलेंस कमीशन द्वारा स्टार्ट किया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने विजी ऐप स्टार्ट किया हुआ था। नेक्स्ट रहेगा मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के चयन की, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के चयन की, हाँ थोड़ा सा रिपीट हो गया ये, कि सिफारिश करने वाली कमेटी में कौन सदस्य होते हैं, हु आर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लोकसभा और एनी अदर मिनिस्टर इन द कैबिनेट। यहाँ पर मैं कौन होता है, तो यहां रहेंगे कौन से प्रवास में, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, लोकसभा विपक्ष का नेता रहेगा, मंत्रिमंडल का अन्य सदस्य भी हो सकता है। यहां पर मैं 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा, बाकी के लोग यहां पर मैं ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक। तो ये रहेगा कौन से पास में, 1, 3 और 4, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष यहाँ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय से संबंधित है, तो भैया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज रिलेटेड टू, तो ये रहेगा कौन सा, कार्मिक या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की बात करेंगे, वहां सिलेक्ट करके रखेगा, इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रख लीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक। तो ये रिलेट रहेगा कहां से पास में, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल रिलेट करके चलेगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर में, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, राज्य सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को, ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को और केंद्र सरकार को। तो यहां ध्यान रखेंगे, टू हुम डू द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द मध्यप्रदेश स्टेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन सबमिट देयर रेसिग्नेशन, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को सौंप करके चले जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ही इनका रेसिग्नेशन ले लेगी, उन्हीं को ये रिपोर्ट सबमिट करते हुए रहेंगे। तो ये पार्ट रहेगा राज्य सरकार की कहानी। अब चलते हैं आगे पार्ट पर मैं, सीबीसी के मुख्य सतर्कता, सीबीसी या मुख्य सतर्कता आयुक्त कितने समय के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग डज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर होल्ड देयर ऑफिस, तो रहेगा कौन सा, 4 और 65 ईयर्स का इसका करेक्ट आंसर रहेगा, या तो 4 साल के लिए यहाँ पर में रहेंगे, या तो 65 साल जो भी पहले हो उसके लिए यहाँ पर सीबीसी अपना ऑफिस का टेन्योर देखेगा। नेक्स्ट लेंगे, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन इनमें से किसे सौंपता है, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त सबमिट इट्स हिज एनुअल रिपोर्ट्स टू होम, यहाँ रहेंगे पहले ऑप्शन में नाम मिल जाएगा कौन सा अपना, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर और प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो लोकायुक्त तो होते हैं ना, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रेजेंट करेंगे, गवर्नर को प्रेजेंट करेंगे। अपने यहाँ पर में इंडिया में होता है लोकपाल और अपने यहाँ एमपी में कौन है, लोकायुक्त, ध्यान रखेंगे। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग में सम्मिलित कौन है, अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4 सदस्य। तो यहां ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य की कहानी यहां आ जाती है, ठीक, ये बैकवर्ड कमीशन में इसका स्ट्रक्चर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर मेंशंस इन विच आर्टिकल, तो ये रहेगा आर्टिकल 338(b)(5) जो है इसमें इनको बता करके रखा हुआ है। आर्टिकल्स आपको 338 के आसपास जो कमीशन वाले सारे आर्टिकल्स हैं पूरे आपको रटे होने चाहिए, पूरे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बूटा सिंह, पीएल पुनिया, सूरज भान और डॉक्टर सुराज विद्वान, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द एससीज, तो हम बात करेंगे यहां थे मिल जाते हैं सूरज भान, यहां पर पहले अध्यक्ष रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बच्चों को परिभाषित करने किया गया है, टू द चाइल्ड इज डिफाइंड इन द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट इज, तो बात करेंगे 0 to 18 years की, यहाँ एक्सप्लेनेशन इनके बारे में मिल जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ एज चेंज नहीं हुई है, 16 years करने की तैयारी पूरी चल रही थी, ठीक, लेकिन फाइनली अभी यहाँ पर इसमें अभी तो नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने काम नहीं किया हुआ है, ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, तो यहां आपको ध्यान रखना है, यहां एक ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट रहेगा कौन सा, शांता सिंह, कुशाल सिंह, प्रियंका कानगो और आपका स्तुति नारायण कक्कड़, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा, शांता सिंह ने, इन्होंने काम नहीं किया हुआ है।
नेक्स्ट लेंगे आगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन कभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रूप में नहीं रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग नेवर वर्क एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन्स? जयंती पटनायक, रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगलम और जयती भंडारी। तो यहाँ पर मैं अभी तक जो जयंती भंडारी हैं वो हमारे पास में, ठीक, वुमेन कमीशन के चेयरमैन नहीं रही हैं, ठीक। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है? ठीक, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन? 315, 316, 317 और 318। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल यहाँ रहेगा कौन सा अपने पास में, 317 जो है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग किया गया है। मतलब 317 में खतरा है किसके लिए, तो यहाँ पे इनके मेंबर्स, इनको हटाने का प्रावधान किया गया है। वहीं चलेंगे, लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन आर अंडर, तो आर्टिकल 320 जो है इनके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे, इसके साथ में भारत के पहले सतर्कता आयुक्त कौन थे? ठीक, हु वाज द फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ द इंडिया? ठीक, ये क्वेश्चन मैंने कहा था रिपीट हो रहा है, वहां पर आपका फुल फॉर्म नहीं था, यहां पर फुल फॉर्म कर दिया गया है। वही हमारे पास में नित्तूर श्रीनिवासा राव, ये एन एस राव जो थे वो यहां पर मैं मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट रैंक, किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया था? 2001, 2003, 2005, 2007। नेक्स्ट रैंक पास में यहां पर दिया हुआ है, इन विच ईयर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज गिवन स्टेचुरी स्टेटस? तो ये करेक्ट आंसर रहेगा 2003 में, इसे यहां पर मैं स्टेचुरी स्टेटस दिया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट पार्ट, राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनाव आयोग को स्टाफ किस अनुच्छेद के अधीन मुहैया कराते हैं? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विल प्रोवाइड स्टाफ टू इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? ठीक, यहाँ रहेगा 324 में सवार है, 3456 में, तो रहेगा कौन सा, 3246 का करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट, कौन सी समिति भारत में मुख्य सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश करती है? विच कमेटी रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चीफ विजिलेंस कमीशन इन इंडिया? संथानम कमेटी, नेक्स्ट रहेगी गोईपरिया कमेटी, राजमन्नार कमेटी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा कौन सा, यहाँ रहेगी संथानम कमेटी है, उसने रिकमेंड किया हुआ था इसके लिए। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मध्यप्रदेश में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1981 में पारित हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार एक लोकायुक्त और तीन उप लोकायुक्त की गठन का प्रावधान है, ठीक। इन मध्यप्रदेश द लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त एक्ट वॉज पास इन 1981, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देर इज अ प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन लोकायुक्त एंड थ्री उप लोकायुक्त इन द स्टेट। और नेक्स्ट रहेगा, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की पदावधि 6 वर्ष निर्धारित की गई है। द टेन्योर ऑफ द लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त हैज बीन फिक्स्ड एट 6 ईयर्स। तो ये 6 ईयर वाली कहानी तो अभी आपको बता दिया मैंने। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कहीं भी एक तरीके से एक अध्यक्ष तो बात किया गया है, सदस्य की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ जो भी सरकार, राज्य सरकार समझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास प्रेजेंट में देखेंगे तो एक यहाँ पर काम कर रहे हैं, कहीं कहीं पर दो की कहानी मिल जाती है, तो दो की बात यहाँ की जाती है कि दो उप लोकायुक्त हमारे पास होंगे शायद, कन्फर्म यहाँ पर मैं, ठीक, एग्जैक्टली देखेंगे तो ये तीन वाला कंसेप्ट तो नहीं है। बनाता कौन है ऐसा, तो रूल यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैं अपने एक्ट में कहीं पर भी 3 या 4 या 2 का प्रावधान नहीं है, राज्य सरकार जितना उसे समझे उतने बना करके रख लेंगे। तो आंसर आपका 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा इस संदर्भ में, आपके पास में जो आपका ये वाला था वो गलत हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा के विपक्ष नेता की सलाह पर की जाती है। द लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द मध्यप्रदेश हाई कोर्ट एंड द लीडर ऑफ द पोजिशन इज द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मध्यप्रदेश में वर्तमान मध्यप्रदेश के में न्यायमूर्ति एन के गुप्ता लोकायुक्त एवं न्यायमूर्ति एस के पालो उप लोकायुक्त हैं। एट प्रेजेंट जस्टिस एन के गुप्ता इज द लोकायुक्त एंड जस्टिस एस के पालो इज द डिप्टी लोकायुक्त इन एमपी, ये भी ठीक है। यहाँ पर मैं फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ है, कौन सा असत्य है ना, लोकायुक्त प्रेजेंट हिज एनुअल रिपोर्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ये थोड़ी सी कहानी क्या हो गई, गलत। यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करेंगे, राज्यपाल को, इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन पहले आ चुका है, यदि आप दिमाग लगा लेते तो कहानी आपकी बन जाती है। नेक्स्ट चलेंगे आगे, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान मध्यप्रदेश में प्रमुख थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ठीक है। यह 2015 में अस्तित्व में आया था,
देख लेते हैं यहाँ पर मैं, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ द गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस इज मेन थिंक टैंक इंस्टीट्यूशंस इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 2015। नेक्स्ट रहेगा पास में, द चीफ मिनिस्टर इज इट्स चेयरमैन। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर आ जाएंगे, ये आपका पार्ट रहेगा, तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक। सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट, सॉरी, दो स्टेटमेंट सही हैं। ये बना हुआ था कौन से पास में, 2014 में बना हुआ है, 15 में नहीं बना हुआ है, 14। तो यहां 1 और 3 करेक्ट हैं, 1, 2, 3 करेक्ट नहीं रहेंगे, सॉरी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, शिवराज सिंह चौहान, छगन भाई बंगन भाई पटेल, मोहन यादव, भारत शरण शर्मा। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द मध्यप्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो रहेंगे कौन से अपने, भारत शरण शर्मा इसके वर्तमान में क्या है, हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे आगे, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द मध्यप्रदेश चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहाँ प्रोटेक्शन कमीशन, तो यहां रहेंगे कौन से, द्रविंद्र मोरे, एमपी, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के क्या है यहां पर मैं अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट चलेंगे, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस तरीके से किया जाता है, हाउ वाज द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन एमपी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एमपी, तो रहेगा थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ एमपी, ये एक्ट के माध्यम से इसे बनाया गया था, इसे आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, फैक्टर भी आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे आगे, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का वित्त प्रबंधन इनमें से किसके माध्यम से होता है, ठीक। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल बी द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द मध्यप्रदेश स्टेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन इज टू बी डन, तो रहेगा किसके थ्रू होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट के थ्रू ये होता है, राज्य सरकार के अनुदान के द्वारा, डी इसमें आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट, 88 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो रहेगा कौन सा अपने पास, 6 और 65 ईयर्स रहेगा यूपीएससी के लिए। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की वेतन परिलब्धियों का उल्लेख किया गया है, द सैलरी एंड रिमुनरेशन ऑफ द एमिलमेंट्स ऑफ द ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज मेंशन इन पार्ट ई ऑफ द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक मतलब कैग, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, तो यहां पर रहेंगे कौन से, कैग की बात की जाएगी, बाकी और कोई यहां नहीं आएगा, ठीक। चलेंगे इसके आगे में, नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान में कैग का कार्यालय किस देश से लिया गया है, कैग के बारे में जो कहानी है वो कहां से लिया गया है, तो आपका रहेगा कौन से वाले पार्ट से, ब्रिटेन की कहानी आ जाती है, करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अब चलेंगे अगले पार्ट पर, अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो ये आपका व्हेन वाज द शेड्यूल कास्ट कमीशन एस्टैब्लिश, शेड्यूल कास्ट कमीशन एस्टैब्लिश इन एमपी की बात करेंगे हम लोग यहां पर मैं, तो ये रहेगा रिलेट एक तरीके से 19 फरवरी 2004 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था, 19 फरवरी 2004 को एस्टैब्लिश किया गया है एमपी में, यहां एमपी की बात करना चाह रहा है। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन, जस्टिन राजन बाबू, एस ए एस आनंद और पी सदाशिवम। कई बार बुक में यहां पर मैं एस एस आनंद दिया हुआ है तो वो तो गलत रहेगा, आपको ध्यान रखना है, यहाँ ए एस आनंद प्रॉपर नाम है और यहाँ कौन नहीं रहे हैं तो पी सदाशिवम नहीं रहे हैं, इन्हें आप याद रख लीजिएगा, ठीक। अगला चलते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट रहेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष रहेगा, ठीक। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो वर्तमान में कौन यहाँ पर मैं, ठीक, जो स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरमैन शोभा ओझा यहाँ प्रेजेंट में रहेंगी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग पहली बार कब अस्तित्व में आया हुआ है, व्हेन डिड द एमपी स्टेट वुमेन कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा इनके लिए, जो पहली बार यदि हम देखेंगे 23 मार्च 1998 को पहली बार ये अस्तित्व में आया हुआ है मध्यप्रदेश महिला आयोग। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक,
विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज अवेलेबल टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स? दीवानी, रिकॉर्ड मांगने की शक्ति, जांच करने की शक्ति, आपराधिक न्यायालय की शक्ति। ठीक, सिविल कोर्ट, पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड, पावर टू इंक्वायर और पावर टू क्रिमिनल कोर्ट। मैंने कहा हुआ था यहाँ पर मैं आपराधिक न्यायालय की यहाँ पर मैं शक्ति नहीं है, फौजदारी की नहीं है, दीवानी की रहेंगी। दीवानी मतलब कि सिविल कोर्ट की रहेंगी। और ये पार्ट आपका हो जाएगा कौन सा, 1, 2, 3 ऐड हो जाएगा, डी करेक्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में अगला, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं? अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने रहेंगे? 2 सदस्य यहां पर होते हैं। कितने रहेंगे यहां पर में? 2। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे, इनमें से कौन मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? बसंत राव उइके, बाबूलाल कुशवाहा, महादेव वर्मा और साथ में पास रहेंगे कौन से, योगेंद्र भारती। तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा कौन सा, योगेंद्र भारती। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, फर्स्ट वाले पार्ट पर मैं आया हुआ था वो। नेक्स्ट चलेंगे आगे, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो इनको हटाने या उनको रखने का अधिकार किसको है? केवल केवल राज्य सरकार को रहेगा, डी आंसर से मिल जाएगा। और मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसको बनाया गया था हम देखेंगे तो 1993 की कहानी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन होते हैं कम्प्लीट। ऐसे सारे नोटिफिकेशंस आपको इसी वाले चैनल पर मिलेंगे यूट्यूब में। सब लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, ताकि बाद में आपको यहाँ पर मैं जो क्या करना है, नोटिफिकेशन भी आपको इसके मिलते जाएंगे नेक्स्ट टाइम के सारे वाले, ठीक है ना। अब पहले जो दूसरे यूट्यूब चैनल में हम लोग शेयर किया करते थे उसमें बाकी आपके वीडियोज़ आएंगे, इसमें आपके खास करके ये वीडियोज़ आपके मिलेंगे एमपीपीएससी रिलेटेड वाले पार्ट के। ठीक, तो आज की क्लास है, आज का सेशन यहाँ तक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एडवांस में हैप्पी होली। नेक्स्ट मिलेंगे हम इसके बाद में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।